प्याज मटन, बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकिन बहुत ही यमी। चलिए बताते हैं कैसे बनाएं, और अगर आपको ये पसंद आए हमारी रेसिपी तो आप हमें थम्स अप दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए बताएं कैसे बनाया। प्याज मटन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मटन कुकर में डाल दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे लगभग आधा चम्मच नमक, यहाँ पर मेरे पास आधा टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 3/4 कप है पानी। ये डाल के इसमें 2 विसल दिलवाएंगे, और 2 विसल दिलवाने के बाद फिर हम कम से कर देंगे, इसको 90% तक गलाना है। तो अभी ये सब डाल के और विसल दिलवा देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। लीजिए देखिए, हमने यहाँ पर सारा कुछ डाल दिया, मिक्स कर रहे हैं इसे। मिक्स करके बस गैस जला के और ढक्कन बंद कर देंगे। एक विसल आ गई है, अभी एक और आ जाएगी तो वो हल्का सेक कर देंगे। तब तक यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज कुछ इस तरीके से काट लिया है, और दूसरी साइड में हमने देखिए यहाँ पर पानी बॉईल होना रख दिया है। पानी एक बार बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम ये प्याज इसमें डालेंगे और ट्रांसलूसेंट होने तक उसको बॉईल करेंगे। ये देखिए, इसे हमने बॉईल करना रख दिया, इसको ट्रांसलूसेंट होने देंगे, पकने देंगे प्याज, और फिर इसको छान कर ठंडा कर लेंगे। देखिए इसे हमने छान दिया, यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ऐसे तोड़ के डाल दी हैं। एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो थोड़े से पानी के साथ और हरी मिर्च ये प्याज इसमें डाल के इसे हम पीस लेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठंडा हो गया था प्याज तो हरी मिर्च के साथ प्याज भी डाल दिया है, अब ज़रा सा पानी डाल के इसे पीस देते हैं। लीजिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी, और अब इसके अंदर ये जो अनियन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट पकाना है चला चला के, कलर चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन अनियन का कच्चापन निकल जाए, तो इसीलिए चला चला के इसको पकाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे फेटा हुआ दही। दोबारा से इसको चला के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये हो गया, इसमें अब हम डाल देंगे मटन पीसेस। मिक्स करेंगे अच्छे से, और अब इसे मटन के साथ भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए ये हो गया, इसमें अब हम डालेंगे जो जूस हमने अलग करके रखा था वो। और अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर ढक्कन हटा के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए ढक दिया हमने, तो अब बस इसे 5 मिनट के करीब बल्कि पकने देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकुक्ड है। लीजिए पक गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से जिंजर जूलियंस और एक हरी मिर्च। थोड़े से हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और डाल देंगे 1 चम्मच लेमन जूस। मिक्स करेंगे इसे, और फिर उसके बाद हम इसे 5-7 मिनट और बगैर ढके पकने देंगे।
देखिए हमारा प्याज मटन तैयार हो गया। हरी मिर्च और जिंजर जूलियंस के साथ हमने इसको गार्निश किया है। और अब ये राइस के साथ, रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करने के लिए रेडी है। आप भी बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्या आप कुछ ऐसा बनाते हैं? अगर हाँ तो हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।